नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। और पिछले सप्ताह मैंने आपको बोला था कि अंगूर पर मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो कि उत्तर भारत में अंगूर की खेती को एक नया पैमाना देगी। तो जो दक्षिण भारत में या महाराष्ट्र में जो अंगूर उगते हैं तो उनके कंपेरिजन में उत्तर भारत के अंगूर कैसे होंगे आने वाले समय में, क्योंकि अब हम यानी मैं जो भी काम कर रहा हूं तो अब आपको एक टेक्निकल तौर पे करके दिखा रहा हूं। अभी तक जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तो ऐसे नॉर्मली सब बताता था, परंतु अब मेरा मानना है कि आपको एक टेक्निकल रूप में हर जानकारी देना भी ज़रूरी है ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि उत्तर भारत में भी अच्छी क्वालिटी के अंगूर हो सकते हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि जो दक्षिण भारत की किस्में हैं थॉम्सन सुपर सोना का और सरस सीडलेस, ये साउथ में भी होती है और आप जानते हुए हो कौन सी है, ये रेड ग्लोब है रेड कलर की और ये थॉम्सन है और ये सोना का है ये वाली। दोस्तों तो मैंने आपको सारी दिखा दी दोस्तों, जितनी भी ये वैरायटी आप देख रहे हैं ये सारी की सारी वैरायटी जो है ये महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक के आसपास की वैरायटियां हैं। और इनमें जो केमिकल या फिर हम जिसे बोलते हैं PGR, तो वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम GA3 तो नॉर्मल है, GA3 प्राकृतिक भी है दोस्तों। मैं कई बार वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ GA3 हार्मोन जो प्राकृतिक है, और बाकी के इतने सारे हार्मोन हैं जिनका अंगूर में बहुत बेइंतहा इस्तेमाल किया जाता है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में जबकि ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो पेस्टिसाइड जो हैं और उनकी बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। हम जो है लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि बहुत ही कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया था और फर्टिलाइज़र भी बहुत कम, दक्षिण भारत के मुकाबले बहुत कम इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, PGR अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो जो आप साइज़ देख रहे हो इस साइज़ तक उत्तर भारत में भी चला जाएगा, परंतु मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि आप कम PGR इस्तेमाल करो, क्योंकि ये जो अंगूर देख रहे हैं आप ये हमारे देश में तो आसानी से बिक जाता है और अरब कंट्रियों में भी आसानी से बिक जाता है, परंतु यूरोपियन कंट्री में नहीं बिक पाता, क्योंकि यूरोपियन कंट्री के जो मानक हैं उनके जो स्टैंडर्ड हैं उन पे हमारा भारत का अंगूर जो है खरा नहीं उतरता, वो बहुत ही सख्त नियम बनाए हुए हैं। तो अगर हम उत्तर भारत में खेती करते हैं अंगूर की और कम PGR का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र का कम इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल करते हैं, तो हम यूरोप कंट्री में बिकने वाले जैसे अंगूर हैं उन तक पहुंच सकते हैं। तो आज का वीडियो जो मेरा ये है कि जब मैं अंगूर आगे हार्वेस्ट करूँगा और आज के जो अंगूर आपके सामने, तो इनका मैं TSS के लिए मैं इसे ऑनलाइन ये ख़रीदा है, इसे बोलते हैं सर रिफ्रैक्टोमीटर यानी ब्रिक्स मीटर, इससे जो अंगूर का मीठापन है उसे हम चेक करते हैं। ये इसमें एक आगे की तरफ आप देखोगे यहाँ पर एक प्रिज्म है, प्रिज्म बोलते हैं आगे, लेंस टाइप में है प्रिज्म, और यहाँ पर हम इसके अंगूर का जो रस है किसी भी फ्रूट का वैसे नॉर्मली, परंतु मैं आज अंगूर की बात करता हूँ, अंगूर का रस इधर एक दो ड्रॉप डालेंगे और यहाँ पीछे से आई व्यू से हम देखेंगे तो प्रिज्म से हमको जो स्केल है वो दिखाई देगा कि कितना ब्रिक्स है इसमें। बिल्कुल आप आसानी से किसी भी फ्रूट का भी ब्रिक्स TSS चेक कर सकते हैं। एक तो हम ये चेक करेंगे कि इन सभी वैरायटियों का ब्रिक्स कितना है, TSS कितना है, दूसरा कि ये जो वैरायटियां आप सामने देख रहे हैं इनका साइज कितना है, और मैं उसको नापने के लिए ये डिजिटल विनियर क्लीपर, आपने देखा होगा 10वीं क्लास या 12वीं जो साइंस में पढ़े होंगे उधर ये जरूर दिखाया गया होगा। अब ये डिजिटल हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऑन ऑफ करके डिजिटल है, सारी रीडिंग आ जाएगी, परंतु पहले जब हम अपने समय की बता रहा हूँ दोस्तों, जब हम पढ़ते थे तो ये मैनुअल होता था, कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता था, परंतु अब ऐसा नहीं है, सिर्फ हमको खोलना है, साइज को नापना, उसी साइज के अनुसार इसमें रीडिंग आ जाएगी, उसका नाप आ जाएगा इंच में और MM में। अंगूर को हम MM में नापते हैं, जहाँ भी इसकी हम स्केल में देखते हैं तो MM में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अंगूर के बारे में और एक रिकॉर्ड बनाएंगे अपना कि अंगूर की कौन सी वैरायटी, उसका TSS कितना है, साइज कितना है, और फिर हम जब हमारे अंगूर हार्वेस्ट होंगे तब हम ये अपना इससे कंपैरिजन करेंगे कि उसका साइज कितना और TSS कितना। मैं पहले ही बता दूं मैं PGR बहुत ही कम इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ GA इस्तेमाल करूंगा, PAU और BA और बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनका नाम मैं आपको बताते बताते बहुत समय बीत जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं उन हार्मोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा नहीं, मैं सिर्फ GA3 का अपनी प्लांट में इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थॉम्सन सीडलेस के। तो दोस्तों अब वीडियो को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें,
क्योंकि हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको जानकारियां देने के लिए, क्योंकि बागवानी के क्षेत्र में इस प्रकार की जानकारी आपको आसानी से कोई देता नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, अगर अभी आप नए व्यूवर्स हैं या फिर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें भविष्य में अधिक जानकारी के लिए, और वीडियो को हमारी वीडियो को आप शेयर करें ताकि अधिक से अधिक किसान हमसे जुड़ सकें और आप हमारी हेल्प कर सकें। तो दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये है थॉमसन सीडलेस। मार्केट में इस साइज का अंगूर बहुत ही कम देखने को मिलता है, और जो कलर देख रहे हैं आप थॉमसन सीडलेस में कम मिलता है। ये वाला गुच्छा जो है मेरे फ्रेंड ने, जो नासिक का रहने वाला है, उसने मुझे ला के दिए अंगूर गिफ्ट में दिए, और ये सारा अंगूर जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा एक्सपोर्ट माल था जो कि यूएई गया है, यानी दुबई गया है। अब मैं इसको चेक करूंगा, पहले इसका साइज चेक करूंगा और फिर इसका टीएसएस चेक करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक अंगूर तोड़ लेता हूं, ये देखिए दोस्तों, और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें, ये मैं ऑन करता हूं इसको, और फिर ये ऐसे खोलना, पीछे की तरफ एक रोल है, रोल को ऐसे करेंगे, घुमाएंगे, और इस अंगूर को हम या तो ऐसे गोल करके ऐसे फिट कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका साइज हम नाप सकते हैं। तो दोस्तों अंगूर को कैसे नापना है, ये विनियर क्लीपर को जो इस प्रकार से खोलना है, रोल करना पीछे की तरफ, और उतना खोलना कि जो हमारा अंगूर है वो इसमें के बीच में इस प्रकार से फिट हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे फिट हो गया, और मैं आपको इसकी रीडिंग दिखाना चाहता हूँ कि कितनी रीडिंग आई है। इसकी आई है 21.50, आप शायद देख पाओगे 21.50 mm इसकी mm में इसकी मोटाई आई है। और मैं इसकी लंबाई नापता हूँ कि लंबाई कितनी है इसकी। लंबाई इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि ये लंबाई में GA3 का एप्लीकेशन इसमें यूज़ किया गया है। लंबाई है 27.97, लगभग 28 mm के करीब दोस्तों, थॉमसन सीडलेस जो मेरे फ्रेंड ने दिया है, और जो सऊदी अरेबिया या यूएई कंट्री है उनमें एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका साइज है लंबाई में 27.97, यानी 28 mm के करीब है। और मैं इसको नोट करता हूँ, थॉमसन सीडलेस का साइज दिखा दिया, अब थॉमसन सीडलेस का जो है ब्रिक्स दिखाऊंगा, TSS कितना है। ब्रिक्स चेक करने के लिए हम अंगूर को थोड़ा सा ऐसे ढीला करेंगे, और इस पे से जो भी जूस है लगभग 2 ड्रॉप प्रिंज में जो है हम इसका स्केल का उस प्रिंज में पे डालेंगे, और इस प्रकार से चेक करेंगे। मैं आपको इसका ब्रिक्स बता रहा हूँ, तो ब्रिक्स है वो है 18 TSS। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं अपने कैमरे से दिखा पाऊँ, क्योंकि कई बार ये जो है ये डिजिटल नहीं है। तो दोस्तों अब हम TSS और साइज जो है वो चेक करेंगे। सुपर सोना का, सोना का और सुपर सोना का अपग्रेड वर्जन है, सोना का ही, सुपर सोना का ज़्यादा लंबी है सोना के मुकाबले। तो ये सोना सुपर सोना का है, और साइज देख पाओगे आप कितना है इसका। तो हम आपको इसका मैं एक अंगूर ले लेता हूँ, ये अंगूर ले लिया एक मैंने, पहले इसकी मोटाई चेक करेंगे अंगूर की कितनी मोटाई है। मोटाई मैं आपको पहले ही बता दिया, मोटाई के लिए हम अंगूर को इस प्रकार से चेक करेंगे, जैसे ये पकड़ रखा है, मोटाई है इसकी दोस्तों 12.79 mm, यानी 12.79 mm है। तो मैं इसको नोट कर लूँगा, और लंबाई चेक करेंगे दोस्तों, इसकी लंबाई चेक करना भी ज़रूरी है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ दोस्तों, इसकी लंबाई जो है वो है 38.61, यानी 38.61 mm, हमारे देश में मिलने वाला सबसे लंबा अंगूर। कुछ आपको इससे थोड़े लंबे भी मिल सकते हैं, मोटे भी मिल सकते हैं, परंतु जो मार्केट में मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी के मिले वही मैं लेके आया हूं दोस्तों। और मैं अभी इसका TSS चेक करूंगा, अभी आपको TSS बताया था तो मैं बस आपको जल्दी से बता देता हूं कैसे चेक करना अंगूर को। इसमें से लंबा अंगूर है तो बीच में से तोड़ूंगा और थोड़ा ढीला करूंगा, और इस पर ड्रॉप गिराऊंगा अंगूर की जूस की, 2 ड्रॉप काफ़ी हैं, उसके बाद ऊपर से इसे गिराऊंगा और इसमें देखूंगा दोस्तों। इसका TSS जो है वो है 18,
इसका भी 18 ही है और मैं इसको भी नोट डाउन कर लेता हूँ और फिर इसे साफ करना है जल्दी से। दोस्तों ये है शरद सीडलेस, मार्केट में मिलने वाला काफ़ी अच्छा अंगूर। ये जो है रसिया से लेके आए थे भारत में खेती के लिए और काफ़ी मीठा अंगूर है। दोस्तों इसका प्राइस अगर हम बात करें तो अभी मैं इसे 120 रुपये किलो लेके आया हूँ अपने पलवल मंडी से, और ये जो है बहुत ही मुश्किल से मिला है क्योंकि अब इसकी खेती जो है कम हो चुकी है। इस शरद सीडलेस की इसके मुकाबले में एक दूसरी वैरायटी आ चुकी है जिसका नाम है जंबो शरद सीडलेस। काफ़ी बड़े साइज का गोल अंगूर है और थोड़े पर्पल से कलर का, लाल से कलर का है। उसमें मीठापन बहुत ही कम है और वो खाने में भी इतना टेस्टी नहीं है, जबकि ये शरद सीडलेस जो है बहुत ही टेस्टी है। थोड़ी लंबी बेरी टाइप में है, डार्क कलर होता है। तो इसका साइज मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ कि साइज क्या है इसका। पहले मोटाई चेक करेंगे। दोस्तों मोटाई है इसकी 17.80, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, 17.88 के करीब है 80। तो इस प्रकार से इसका TSS है, और सॉरी इस प्रकार से इसकी मोटाई है 17.88। मैं नोट डाउन करता हूँ इसको फटाक से। लंबाई है इसकी 26.16। ये भी मैं नोट कर लेता हूँ। और दोस्तों अब हम चेक करेंगे इसका TSS। चेक करने के लिए आपको बताया कि क्या करना है, अंगूर को ढीला करना है। दो ड्रॉप हम प्रिज्म पे गिराएंगे जूस की, और ऊपर से गिराने के बाद TSS चेक करेंगे। दोस्तों इसका TSS आ रहा दोस्तों 19। ये जो मार्केट में आपने आजकल देखा होगा काफ़ी महंगा अंगूर मिलता है, इसे मैं लेके आया हूँ 400 रुपये किलो, और इसका नाम है रेड ग्लोब। ये ज़्यादातर अब बाहर से ही आता है, अपने देश में भी इसकी खेती होने लगी है परंतु ये बाहर से आता है और इसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों इसकी हम मोटाई की बात करेंगे तो अभी नाप देंगे आपके सामने, और साथ में मैं इस अंगूर को आपको काट के दिखाऊंगा। अभी तक जो भी मैंने अंगूर दिखाए थे आपको, तीन अंगूर दिखाए थे, तीनों के तीनों सीडलेस वेराइटी थी, जबकि ये जो वेराइटी है 400 रुपये किलो होने के साथ साथ सीडेड वेराइटी है, यानी बीज है इसके अंदर, और ये मार्केट में काफ़ी सुपरमार्केट में काफ़ी आसानी से बिक जाती है। तो मैं इसको बीच में से काटूंगा, इसमें लगभग 3 से 4 बीज होते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसमें 3 बीज हैं, देख पाओगे आप 3 बीज, काफ़ी मोटे मोटे, और मैं पहले इसको खा के देखता हूँ कैसा है। तो दोस्तों इसका मैं टेस्ट कर रहा हूँ, रेड ग्लोव वास्तव में काफ़ी टेस्टी है, पर भारतीय मार्केट में 400 रुपये किलो बहुत हाई प्राइस होता है, पर फिर भी बिकता है, जो सुपरमार्केट में मॉल्स में लोग खरीदते हैं इसको। इसका टेस्ट जो है लाइक ए लीची या मस्कट फ्लेवर, इसका टेस्ट है काफ़ी अच्छा, मुझे पसंद आया इसका टेस्ट। बीज मैंने दिखा दिए, इसमें 4 बीज हैं, और मैं अब इसका साइज मेजरमेंट कर लेता हूँ दोस्तों जल्दी से। इसका जो साइज है वो है 22.16 दोस्तों, 22.16 इसका साइज है, और काफ़ी अच्छा साइज है 22.16 mm, और लंबाई भी एक बार चेक कर लेते हैं 27.9, ये भी काफ़ी अच्छा साइज है 27.9 mm है दोस्तों। दोस्तों थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा परंतु आप अगर जानकारी इसमें चाहते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखें और चेक करें इसको, स्केल हमारा ठीक है बिल्कुल। और ये हमने अंगूर को काट लिया था और इसके जूस को इधर डालेंगे। इसका TSS है लगभग 20 है, 20 में 0.001 के करीब थोड़ा कम। हमारे पास जो डिजिटल ब्रिक्स मीटर जो है उसको खरीदने का बजट नहीं था इसलिए हमने इसे खरीदा। ये भी काफ़ी महंगा है, लगभग 1500 रुपये का ये ऑनलाइन मिलता, और ये जो विनियर क्लीपर है ये 1700 रुपये का ऑनलाइन मिलता है। तो दोस्तों अभी हमारे पास डिजिटल ब्रिक्स मीटर खरीदने का बजट नहीं था इसलिए हम ये खरीद रहे हैं, और इसका 20 डिग्री है तो मैं 20 जल्दी से लिख लेता हूँ वीडियो के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए। और ये मैं मार्केट से लेके आया हूँ, ये 80 रुपये किलो दिया अंगूर, थॉमसन सीडलेस है ये भी, और काफ़ी अच्छा साइज है इसका। तो मैं एक अंगूर इसमें से छांट लेता हूँ ठीक सा बढ़िया सा, ये अंगूर ले लिया मैंने, और इसका साइज पहले नाप लेते हैं। मोटाई जो है वो है 16.62 और लंबाई जो है 24.56। अब इसका TSS चेक कर लेते हैं। दोस्तों इसका TSS भी 20 है,
तो आपने देखा कि अभी तक जितने भी अंगूर है 18-20 के करीब उनका TSS है, 20 से ऊपर नहीं है। 20 से ऊपर क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि ये मार्केट में बिकने के लिए हुए आए हैं। अगर 20 से ऊपर जाएगा तो दो ही पर्पज हो सकते हैं किसान के पास, या तो वो उसकी किशमिश बनाए थॉम्सन जैसी वेराइटी की, या फिर उसे अपने लोकल मार्केट में उधर ही बेच दें, क्योंकि कम ज़्यादा ब्रिक्स होने पे वो ज़्यादा दिन मार्केट में टिकेगा नहीं। इस वजह से इतना कम TSS है, मतलब इतना कम भी नहीं है, ठीक इसे बोलते हैं मीडियम TSS। कम का मतलब है 14-15-16 कम होता है, मीडियम 20 के आसपास का मीडियम है 18-20, और अधिकतम होता है 22 के करीब रहने वाला अधिकतम है, उसमें किशमिश के तौर पर यूज़ करते हैं। दोस्तों ये है सोना का, अभी तक मैं पहले आपको दिखाई थी सुपर सोना का, अब ये सोना का है लंबे अंगूर की। और ये एक अंगूर मैंने तोड़ लिया, साइज इसका भी चेक करते हैं, 14.67 लंबाई है इसकी दोस्तों, 32 और ये मोटाई है। तो दोस्तों अब हमने सभी का आपको बता दिया, रिकॉर्ड हमने बना लिया, ये हमारा रिकॉर्ड जो है ये हमने बना लिया। आपको पूरा रिकॉर्ड जो है TSS है वो एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। TSS दोस्तों इसका TSS है 19.50। पीछे काफी अच्छा इनमें स्प्राउटिंग आ गया, बंच सभी में आ चुके हैं दोस्तों अच्छे से, फ्लावरिंग अभी लगभग 10 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों जो हमारे TSS रहेगा इनसे कंपैरिजन करेंगे मार्केट में मिलने वाले अंगूर से, और हमारे जो TSS है उनसे, मार्केट में जो अंगूर मिलता है दोस्तों वो 15 के बाद मिलता है। 14 का अंगूर जो है TSS का, वो आपने दीपावली के आसपास या नवंबर दिसंबर में खाया होगा, बहुत खट्टा उसका, 13-14 रहता है वो। सिर्फ अंगूर मार्केट में दिखाने और किसी पर्पज़ से आता, खाने के पर्पज़ से तो आता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता। आजकल जो अंगूर आ रहा मार्केट में सभी का TSS 20 के आसपास रहता है, थोड़ा कम हो सकता है, एक आध डिग्री ज़्यादा हो सकता है, मैं आपको बता दिया उसका पर्पज़ क्या। परंतु जब हम अपने फार्म पर अंगूर को हार्वेस्ट करेंगे तो हम लाइव पेड़ में से तोड़कर उसका TSS चेक कर अपने इंस्ट्रूमेंट से साइज उसका आपको चेक कराएंगे और बताएंगे। हर वीडियो, हर वेराइटी का अलग से वीडियो बनाएंगे और सबका एक साथ भी बनाएंगे, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना आए। दोस्तों जो हम अंगूर पे कार्य कर रहे हैं उनकी अलग से वीडियो बनाई है, हमने सीरियल नंबर दिया हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। इस साल हम स्टार्टिंग से हर अंगूर पे जो भी कार्य हुए हैं उनको एक सीरियल नंबर देके प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे कोई वीडियो रह गई है आपने देखी नहीं है तो आप शुरू से हमारी वीडियो देख सकते हैं सीरियल वाइज, और अंगूर की खेती को आसानी से समझ सकते हैं। जो हमारा कार्य है आपको अंगूर की खेती में उत्तर भारत में समझाना और अच्छे से जानकारी देना, वो हम इस साल ज़रूर अचीवमेंट करेंगे और आपको समझाएंगे। अगर फिर भी किसी को कोई समझ में नहीं आता है, कोई जानकारी अधूरी रह जाती है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9813131604 पर व्हाट्सअप करें, कॉलिंग ना करें क्योंकि कॉलिंग मैं नहीं उठा पाऊँगा, बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। आप व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा दोस्तों, मैं इस बात को श्योर करता हूं, और आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद दोस्तों।